अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं आईपैड्स। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर। Let's go!
ये कैसी आवाज़? लगता है कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है। हेलो हेलो, हाँ देखिए देखिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, आप एक काम कीजिएगा, आप CID वालों को बता दीजिए प्लीज। CID? पर आप है कौन और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, एक बहुत लंबी कहानी है। यार सालुंखे, तू रात के वक्त चाय कैसे पीता है, है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। प्रद्युमन, एक बार तुम भी पी के देखो बॉस, बड़े सुकून की नींद आएगी। बाय गॉड, चाय पी के तो लोगों की नींद उड़ जाती है, तू पता नहीं किस केमिकल से बनाए कि चाय पीकर नींद आ जाती है तुझे। तुम्हें मालूम है ना, सालू के नाम है मेरा, बड़ी स्पेशल मिट्टी का बना हुआ इंसान हूँ मैं यार। अच्छा चल, फोन रख देता हूँ, लेकिन याद रखना 8 तारीख को तुझे कोर्ट में आना है, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, तुम चिंता मत करो, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा चल, गुड नाइट। गुड नाइट बॉस। अरे यार, रात को 12:15 बजे कौन आ गया यार, चाय भी नहीं पीने देते यार। अरे आ रहा हूं यार, रुको तो सही। अरे अरे कौन है भाई तुम लोग? शक्ल से तो काफी समझदार लगते हो, फिर भी ये सवाल। अरे इतनी रात को कोई दिवाली का चंदा लेने आएगा क्या तुमसे? एक मिनट, देखो गलत आदमी के घर में आओ तुम लोग, CID वाले के घर में घुसे हो तुम लोग। जानते CID वाले हो, इसीलिए तो डायरेक्ट घर में घुसे है ना, डॉक्टर सोलंके। भागता इतनी नहीं करता। CID वालों को बोलिए कि डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, लगता है किसी की जान को खतरा है, मुझे अभी CID को इत्तला करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 3-3 बार याद दिलाया था मैंने सोनके कि देख सोनके, वक्त पे पहुंच जा कोर्ट में गवाही देने के लिए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों वो गवाही देने के लिए आता ही नहीं। अब आगे की डेट मिल गई। सर इससे पहले डॉक्टर साहब ने कभी ऐसा नहीं किया, कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं? अरे तबीयत ठीक नहीं है तो हमें बताओ ना, फोन बंद करके सो जाते हो? सर मुझे बहुत डर लग रहा है, सालों के सर का कुछ पता नहीं चल रहा है और ना ही उनका फोन लग रहा है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत सालों के ने पहले कभी नहीं की थी, किसी को बताया तक नहीं, ऐसे गायब हो गए कहाँ? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर साहब किसी मुसीबत में फंस गए? सचिन काम करो, सालों के घर चले जाओ और देखो चक्कर क्या है। अभिजीत, एक हफ्ता और लगेगा दिल्ली में। अच्छा ठीक है, लेकिन उस केस की पूरी डिटेल्स लेकर आना। हाँ ओके, गुड लक। सब घर की हालत देखकर लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। कुछ तो हुआ है सालों के साहब के साथ यहाँ पे। सब कुछ चलने की बुआ रही है। माय गॉड, लगता है सालों के साहब जब चाय बना रहे थे उसी वक्त कुछ हुआ है उनके साथ। सर ये देखिए सालों के सर का फोन, देखो बहुत सारे मिस कॉल्स हैं इसमें। सर आखिरी बार उनकी बात ACP सर से हुई थी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले, मतलब तब से क्या चल रही है? सर कहीं किसी ने सालों के सर को किडनैप तो नहीं कर लिया? हो सकता है पुरी, लेकिन अपनी मांग रखने के लिए किडनैपर्स का फोन तो आना चाहिए था ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है पूर्वी सालों के साहब की जान को खतरा है।
बच्चा को। सर हो सकता है किडनैपर ने सालों के सर पर अटैक किया हो और उनके भी छातापाई हुई हो सकता है पूर्वी, लेकिन एक बात तो तय है कि सालों के साहब को गुंडे साथ लेकर गए हैं। एक काम करो, इस चाकू को रख लो, फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे और इस घर की अच्छी तरह से तलाश लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या है? अली मैगजीन पड़ी हुई, गन किधर है? माय गॉड, खाली मैगजीन मतलब सरों के साथ ही गन गायब है। सर, आप और भी सालुंखे की गन गायब है उसके अलमारी में से, ये कागज मिला उस पर खून के धब्बे हैं, फिर उसके घर की सारी चीजें उथल पुथल हुई है और फिर वो खुद गायब है, सालुंखे खुद गायब है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि सालुंखे को किसी ने गायब किया है, अगवा किया है किसी खास वजह से। सर जरूर कोई खास इन्फॉर्मेशन होगी जो बदमाश सालुंखे साहब के यहाँ से लेने आए थे। सालुंखे सर अपनी जान दे देंगे सचिन, लेकिन CID की खास इन्फॉर्मेशन किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। सर, मेरा नाम राहुल है। बताओ राहुल, क्या चाहते हो? सर, मैं KK कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आज सुबह मुझे अपने रेडियो पे एक अजीब सा सिग्नल मिला, कोई उसमें मेरी मदद मांग रहा था और कहा कि CID को सूचित करो। किसने किसने बात की तुमसे? सर, मैं नाम ठीक से समझ नहीं पाया, पर कोई डॉक्टर था शायद। डॉक्टर? जी सर। से जरूर डॉक्टर सालुंखे ही होंगे। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? सर, मैंने उनकी सारी बातें इस पे रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर आप चाहे तो मैं अभी प्ले करके सुना सकता हूँ। हाँ सुना। हेलो, हाँ देखिए मेरी मदद कीजिए प्लीज। सर ये तो सालुंखे सर की आवाज है। हाँ हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, आप एक काम कीजिए, आप CID वालों को बता दीजिए प्लीज। ये CID? पर आप है कौन और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। आप CID वालों को बोलिए कि डॉक्टर साहब। सर बस इतनी बात हो पाई हमारी। लगता है सालुंखे बड़ी मुसीबत में है, जान को भी खतरा हो सकता है उसके। रेडियो फ्रीक्वेंसी नोट की है तुमने? जी सर। उससे पता चल जाएगा सालुंखे कहाँ पर है, कहाँ से उसने बात की थी। जी आप लोग? हम लोग CID से हैं अनुराग जी, हमी ने आपको फोन किया था। CID से? हमारे रेडियो स्टेशन पे कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? वैसे बड़ी गड़बड़ तो नहीं, मगर अनुराग जी हमारे पास एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, हम जानना चाहते हैं कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी किस जगह से आई है, किस इलाके से आई है, क्या बता सकेंगे? एक मिनट सर। जिस जगह से फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका लैटिट्यूड 523 है और लॉन्गिट्यूड 983 है। लैटिट्यूड 523 और लॉन्गिट्यूड 983, क्या जगह हो सकती है ये? क्या बता सकते हैं अपने नक्शे पर ये जगह कौन सी है? जी सर। प्लीज जल्दी। सर जिस जगह से ये फ्रीक्वेंसी आ रही है वो समुद्री इलाके से है, हिंद महासागर की तरफ से। हिंद महासागर से? इंडियन ओशन? तो क्या वो लोग सालुंखे को इतने दूर ले गए होंगे? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सालुंखे साहब को उन लोगों ने पानी के जहाज में छिपा के रखा हो सकता है सचिन, किसी जहाज पर या फिर समुद्र में किसी अनजान टापू पर।
रजत, और कितनी दूर है वो जगह? तो समझ में नहीं आ रहा है सर, आसपास में होना चाहिए था। आसपास यहाँ ना तो जमीन है ना ही कोई शिप। डॉक्टर सालुंखे ने वो मैसेज भेजा कहाँ से होगा? अरे इस कंपास को क्या हुआ? सर इसका कांटा तो अपने आप ही घूम रहा है। कहीं ये कंपास खराब तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो बिना कंपास के समुद्र में दिशाहीन हो जाएंगे। सर, सर वहां पर एक बोट है। सर उस बोट में जो आदमी था वो कहीं डूब तो नहीं गया? सर सिग्नल आ रहा है सर। हेलो हेलो, हाँ सर बस पहुंचने ही वाले हैं सर। भैया सर, सर एक मिनट सर, वहां पे कोई है सर? तो शायद पानी में कोई है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ सर। ओके सर। रजत बोट इस तरफ लो। सर तैरना आता है ना तुम्हें? सर मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूँ। गुड, कूदो पानी में। ये पानी में सर? हाँ जब संभाल के तुम्हारी है? हाँ। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बेहोश हो गया। आप रेडी? कुछ कांटेक्ट हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर, सैटेलाइट फोन का भी सिग्नल काम नहीं कर रहा है। सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, ऐसी कौन सी खतरनाक जगह है जहाँ पे सैटेलाइट फोन ने भी दम तोड़ दिया? और तो और सर, हैम रेडियोस भी काम नहीं कर रहे। कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, ये कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा। अगर हमारे लोगों को कुछ मदद चाहिए तो वो कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे हमसे? सर सालुंखे साहब हमें पानी के अंदर मिले थे ना। फ्रेडी सालुंखे मिला था या कुछ और मिला था कुछ पता नहीं है। लेकिन सर अगर वो सालुंखे सर होते तो उन्होंने पानी के अंदर से रेडियो पे सिग्नल कैसे भेजा होगा? एग्जैक्टली वही तो। ये भी तो हो सकता है कि शायद सालुंखे हमें सिग्नल भेज रहा था, उन लोगों ने देख लिया उसे और बस अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सालुंखे को उठाया और समुद्र में फेंक दिया हो। जो कुछ भी हो, हमारे सभी लोगों की जान को खतरा है।
हमें कुछ भी करके उस जगह पे पहुंचना ही होगा। कोई रास्ता ढूंढो। श्रेया पता लगाओ उस जगह के बारे में। सर, सर से होश आ गया है। प्रिया, लो पानी पी लो। एक बात बता रहा, समंदर के इस कोने में तुम पहुंचे कैसे? साहब, हम अपने साथियों के साथ यहां मच्छी पकड़ने आए थे। मैंने बहुत समझाया उन लोगों को, समंदर के इस किनारे में मत आओ, खतरनाक है, पर वो लोग नहीं माने। थोड़ा लालची किस्म के थे, बोलने लगे बड़ी मच्छी पकड़ेंगे। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? सबके सब गए काम से। गए काम से मतलब? वो आप नहीं समझोगे साहब। साहब, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो साहब, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। देखो आर्या, हम वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेंगे हम लोग। पहले ये बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या था? अब मैं वो सब याद करना नहीं चाहता हूँ साहब। आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा दोगे कि नहीं, ये बताओ। देखो आर्या, हम यहाँ अपने एक साथी की तलाश में आए हैं। हमारे मुताबिक वो यहाँ किसी बोट पे या फिर किसी टापू में फंसे हुए हैं। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं, रास्ते आगे नहीं जाऊंगा मैं, मार जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा साहब, छोड़ दो मुझे, नहीं जाऊंगा मैं। ये शांत हो जाओ। सर, उस इलाके के बारे में पता चल गया। क्या क्या पता चला? सर, वहाँ अक्सर लोग अपनी दिशा से भटक जाते हैं, कई बार तो कंपास भी काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि वहाँ का समंदर का पानी इतना तेज और खतरनाक होता है कि वहाँ से किसी का भी जिंदा लौट पाना नामुमकिन है। My God, श्रेया, ये समुंदर नहीं कब्रस्तान है, कब्रस्तान। और ऐसी जगह में जाकर हमारे ऑफिसर्स फंस गए हैं, उनकी जान को खतरा है। हमें कुछ भी करके वहां पहुंचना ही होगा, उन्हें ढूंढना ही होगा। सर, अगर हम वहां पहुंच भी गए तो उन्हें ढूंढेंगे कैसे? सर, ढूंढेंगे फ्रेडी, कुछ भी करके ढूंढेंगे, लेकिन पहले वहां पहुंचेंगे। ये बात तो है सर। सर, है एक ऐसा आदमी जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? ऐशोर। पर है कौन ये ऐशोर? ये एक ऐसा मल्ला है जो समुन्द्र के उस हिस्से को अच्छी तरह से जानता है। समुन्द्र के जिन हिस्सों में जाने की हिम्मत बाकी मल्लाह में नहीं होती, ये सबसे पहले वहां पे पहुंच जाता है। खतरों से खेलने का इसे बड़ा शौक है। ऐशोर रहता कहां ये ऐशोर? वो ट्यूब लगा। चल, पानी रुक नहीं रहा है। सत्तर मारे दोगे मैं कह रहा हूं, वापस आ जाओ। चल, पानी भर रहा है सर। तो चल, पकड़ कोशिश करते रहो। अरे छोड़ा मुझे, नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ता मुझे। अरे क्या कर रहे हो? पानी रोको। पहले और कितनी देर लगी? पता नहीं सर, लेकिन अगर 15 मिनट में बोट किनारे पर नहीं लगी तो बोट डूब जाएगी। ओह नो। अरे छोड़ दो। कहीं यही वो टापू तो नहीं जहाँ से डॉक्टर सालुंखे का फोन आया था? यही है, यही है वो टापू।
ये टापू नहीं है, मौत का घर है। सबके सब मारे जाएंगे। मेरे सभी साथी यही मारे गए थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ वापस चलो। तुम्हारे साथियों को भी तो ढूंढना पड़ेगा। तुम हमारे साथ चलोगे? लेकिन छोड़ो से। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे वहां पे। और आगे नहीं जाऊंगा मैं। साहब साहब मुझे छोड़ दो साहब। संभाल के। नहीं साहब। सर खराब हो जाइए, मैं बोट ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सर ठीक है, संभाल के। ओके सर, चलो। आयशोर यहाँ रहता है? हाँ सर। सर अगर ये आयशोर हमारी मदद करता है तो हम जल्द से जल्द अपने साथियों तक पहुंच सकते हैं। हाँ। अरे ये क्या मजाक है? सर लगता है आयशोर का मेहमान नवाजी का तरीका कुछ अलग है। अगर इस आयशोर का ये मेहमान नवाजी है तो उसने हमारी मेहमान नवाजी नहीं देखी है अब तक। सचिन खुल दो दरवाजा। इस आयशोर को मेहमान अपने घर में आना पसंद नहीं है। देखते हैं, चौकन्ना रहना। और एक बंद दरवाजा। अब इसके पीछे क्या है? साहब मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं। साहब लौट जाओ यहां से, मौत के मुंह में जा रहे हो साहब आप। देखो साहब यहां तक जो भी आया ना वो जिंदा वापस नहीं गया साहब। अभी भी कह रहा हूँ लौट जाओ साहब। मौत से किसे डर लगता है? तुम थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो। अरे साहब आपको जाना है तो जाइए ना, मुझ गरीब को क्यों घसीट रहे इसमें। हमारे साथ नहीं जाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। वापस लौट जाओ? कैसे वापस लौट जाओ? अरे मेरी बोट भी तो टूट गई है, जाऊंगा कैसे? खून देखा ना सर आपने, जो भी आता है ना उसका खून हो जाता है। सर कहीं ये खून डॉक्टर सालुंखे का तो नहीं? पंकज ब्लड ग्रुप टेस्ट देना। पॉजिटिव डॉक्टर सालुंखे का ब्लड ग्रुप, शायद ये खून डॉक्टर सालुंखे का ही है। सर कहीं डॉक्टर सालुंखे हमारे बीच? पंकज इतना खून नहीं कि उन्हें कुछ हो जाए, प्रार्थना करो कि वो सही सलामत हो। सर
हाँ परवी। सर ये देखिए, किसी जानवर के पैरों के निशान। सर इस टापू पर ना ऐसे ऐसे जानवर हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना है, देखा नहीं है किसी ने? मतलब शेर चीते? अरे नहीं, वो अंग्रेजी फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, बड़ी बड़ी छिपकली तो इतने बड़े बड़े जीव निकालते हैं। क्रोकोडाइल? नहीं, वो बड़ा वाला डायनासोर। सर उसी के पैर के निशान है। सुनो, ये बेवजह अफवाहें फैलाना बंद करो, समझे? इस टापू पे जो गुनाहों का तांडव मचा है बहुत जल्द सीआईडी उसे खत्म कर देगी। सर मैं तो कहता हूं इन सब में आप ही एक समझदार आदमी हो, समझाओ ना इन्हें। सर हम लोग, सर जानवर के पैरों के निशान तो यहाँ खत्म हो गए। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, वो किडनैपर सालुंखे सर को इस टापू पे क्यों लेकर आया जहाँ से वो हमें फिरौती के लिए फोन भी नहीं कर सकता? उन्हें ये जगह सबसे सुरक्षित लगी होगी। अगर डॉक्टर सालुंखे यहाँ से भागते भी हैं तो उनको पता है कि वो शहर तक पहुँच नहीं पाएंगे। सर एक बात तो तय है कि जो कोई भी है सालुंखे साहब को जिंदा रखना चाहता, क्योंकि अगर वो उन्हें मारना चाहता तो उनके घर पर भी मार सकता था। जरूर वो डॉक्टर सालुंखे से कोई खास चीज चाहता है। और जब तक डॉक्टर सालुंखे उन्हें वो चीज दे नहीं देते हैं उनकी सांसें चलती रहेंगी। सर सर वो देखिए तालाब। सर बहुत प्यास लग रही, पानी पी ले। हाँ चलो। तीन तीन कंकाल, चलो। अरे रुको रुको, ये कोई तरीका है? बिना बुलाए किसी के भी घर पे चले आते हो और मैंने दरवाजा नहीं खोला तो चले जाने के बजाय जबरदस्ती अंदर चले आए, कौन हो आप लोग? देखिए हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं और हमारे कुछ ऑफिसर्स किसी समुद्री इलाके में फंस गए हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर के बाहर ये जो जाली टंगी हुई है और वो जो पंचिंग बैग है, किस लिए? जान को खतरा है तुम्हारे? वैसे तो मेरे घर कोई आता जाता नहीं है, बस आता है कोई तो वो चोर और मेरे दुश्मन, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए मैंने सब किया है। वैसे आपसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वैसे मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, जिस तरह आप सभी लोग अपने आंगन से परिचित हो ना, उसी तरह मैं भी समंदर के कोने कोने से परिचित हूँ। मैं समंदर के कई कोनों में जा चुका हूँ जिसका कोई नामो निशान दुनिया के नक्शे में भी नहीं है। बस इसीलिए हम तुम्हारे पास आए आयशो, क्योंकि हमारे ऑफिसर जिस समुद्री इलाके में फंस गए हैं उसके कोऑर्डिनेट्स है 523 डिग्रीज लैटिट्यूड 983 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड। तो जल्दी से बताओ कहाँ पर है ये इलाका प्लीज। सर वो बहुत खतरनाक जगह है। सर क्या मतलब? यहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। शायद आपके ऑफिसर्स भी। हाँ ये जगह बिल्कुल वही है। इस जगह की खोज मैंने की है। इस जगह का नाम है शिकार होडी। शिकार होडी की खोज तुमने की है? जी। तो तुम हमारे साथ चलो, तुम हमें वहाँ ले जाओगे। नहीं, 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 नहीं। तो थोड़ी मौत के मुंह में खुद चला जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं आपको नक्शा देता हूँ, आप चले जाइए ना। मौत के मुंह में शिकार होली, मैं आपको मैप देता हूँ, अभी देता हूँ। शिकार होली मौत के मुंह में जाने के लिए। शिकार होली, शिकार होली। Thank you.
रिपोर्ट तो बन गए। रात की बात है कि यहां से जा सकते हैं। ये मौत का टापू है ये। जितना अंदर जाओगे ना उतना फंसते जाओगे। बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। सर, कंकालों की कुछ हड्डियां गायब है। कंकाल की हड्डियों पे ये इंसानों के दांतों का निशान है। लगता है जंगल में नरभक्षी है। इसी बीच आपको फोन करना पड़ेगा बैकअप के लिए। यस सर। यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं आ रहा। सर, सैटेलाइट फोन पे भी सिग्नल नहीं है। एक काम करते हैं, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं, शायद वहां से नेटवर्क मिल जाए। सर, मैं पंकज को लेकर जाता हूँ। एक काम करो, तुम लोग वहां पर जाओ, मैं और पूर्वी जाके देखते वो नाव ठीक हुआ है या नहीं। यस सर। चलो। अरे मैं किसके साथ जाऊं? हमारे साथ चलो, रास्ते में चुटकुले सुनाऊंगा। चलो। सर? सर, ये धुआं कैसा? ओह नो, निखिल, निखिल! नाव को हाथ कैसे लगे? निखिल, निखिल! निखिल, 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 निखिल! निखिल! सर, सर, निखिल, निखिल, निखिल! ओह नो, तुम ठीक हो? ये तो कैसे हो? सर, पता नहीं सर, किसी के साथ अचानक से सर पे हमला किया। चोट लगी तुम्हें? वो सर, वो चली गई। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो। किसी ने भी किया बचेगा नहीं वो। चलो पहले ये पता करते हैं कि रजत की इसी हिसाब से बात हुई या नहीं। चलो
अरे सर, ये पहाड़ चढ़ते रहते तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। कोई नहीं, चलते रहो। सर, सिग्नल मिला? यहाँ भी कोई सिग्नल नहीं। एक सेकंड, हल्का सा सिग्नल है। इससे पहले कि ये भी चला जाए, एसीपी सर को फोन लगाता हूँ। ये फोन लग क्यों नहीं रहा? क्या हुआ सर? सिग्नल बहुत कमजोर है, फोन लग ही नहीं रहा। लगता है किसी ने इस टापू का नेटवर्क लॉक कर दिया। आप लोगों को कौन नहीं जानता सर? ठीक है, लेकिन देखो हेमा, हम कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं शिकार हाउडी एक मिशन पर। सर, वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है, और सर वहाँ कोई रहता भी नहीं है। आज तक जो भी वहाँ पे गया है कोई वापस नहीं आया। सर, ये शिकार हाउडी कहीं बरमूडा ट्रायंगल जैसा तो नहीं है? वैसा ही समझ लीजिए सर। पर सर, आप लोग तो CID ऑफिसर्स हैं और मैं तो आम इंसान, मैं आपके साथ वहाँ चलकर अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मतलब तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? नहीं सर। कोई बात, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी बोट लेके जाते हैं, चलेगा? हाँ सर। गुड, ये लो, ये पैसे रख लो, डिपॉजिट समझ लो। थैंक यू। सर, अगर इतनी ऊंचाई पे नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो इस पूरे टापू पे नेटवर्क नहीं होगा। ये मुजरिम बहुत शातिर है पंकज, उसने इस एरिया में ऐसा यंत्र लगाया जिससे कि सैटेलाइट फोन्स भी काम न करें। मोबाइल नेटवर्क तो पहले से ही यहाँ नहीं है। अरे निकल, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो बोट पे किसी ने हमला कर दिया और बोट को भी जला दिया, साथ ही साथ सारा सामान भी जल के राख हो गया। नाव जल गई, तो वापस कैसे जाएंगे हम? घबराओ मत, हमारे साथी हमें ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे। किसी भी सबसे बात हुई? नहीं सर, लगता है साळुंखे साहब के फोन के बाद उन लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी को जैम कर दिया, सिग्नल मिल ही नहीं रहा। सर, कहीं साळुंखे साहब को यहाँ लाने का मकसद हम लोगों को इस टापू पे फंसाना तो नहीं था? अगर ऐसा है तो जान जाएंगे, ऐसा करके उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। अरे मौत उनकी नहीं, हमारी होगी। मुझे तो आप लोग बताना ही नहीं चाहिए था। हरिया, सारे सवाल सवाल, हरिया 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 हो ना, ये तो मर गया। सर, से मारा किसने? सर, वो देखिए। अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं KBC गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर।